बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर खैरियत से क्यों, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी और बहुत सारी खुशियाँ दे और आपका दस्तखान हमेशा बड़े रहे। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है एग पोटैटो बॉल। जी फ्रेंड, ये बनते भी बहुत आसानी से हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 3 आलू ले लिए हैं, मैश कर लिए हैं, 1 अंडा, आधी कटोरी गाजर, आधी कटोरी मैंने ले ली है सब्ज़ प्याज। ये सब्ज़ियाँ आप अपने पसंद की, आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गाजर और सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये वाले चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधी चम्मच कलवंजी, आधा चम्मच नमक, काली मिर्च आधी चम्मच, ओरिगैनिक आधी चम्मच, स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जी फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूंगी, इसमें सारे मसाले, गाजर, सब्ज़ प्याज और अंडा डाल के इसके छोटे छोटे बॉल बना लूंगी। जी फ्रेंड्स, अंडा मैंने डाल दिया इसके अंदर, अभी जाएंगे ये सब्ज़ी, गाजर और सब्ज़ प्याज, और उसके बाद ये मैं सारे जो मसाले हैं ना वो भी इसके अंदर जाएंगे। अभी मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ इनको। जी फ्रेंड्स, मिक्सर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको कॉर्नफ्लावर की मकदार कम लगे तो आप 1 चम्मच, 1.5 चम्मच इसकी भरा सकती हैं। जी फ्रेंड्स, बॉल मैंने बना के रख लिए हैं, ये बिल्कुल ऐसे साथ साथ ना रखें, थोड़े चिपके ना। ये कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ये कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अभी मैं एक एक बॉल इसके अंदर डालती जाऊंगी। जी फ्रेंड्स, बॉल हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल इन्हें ना इसके साथ आराम के साथ ना ऐसे करना है, ऐसे अभी ऐसे ऐसे सारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। ये देखें, जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं। ये इस तरह फूल जाते हैं, जिस तरह रसमलाई बनाएं तो ये ना डबल हो जाती हैं। इन्हें ज़्यादा एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं करना, ये टूट जाती हैं ना, एक तरफ सही गोल्डन हो जाए फिर हम इसे ना दूसरी तरफ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और जो आँच है ना वो हमने दरमियानी रखनी है। जी फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सर्व किया है केचप के साथ। आप चाहे तो अपने पसंदीदा चटनी के साथ भी खा सकते हैं और या सालसे के साथ। सालसे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।